सुंदरवन जंगल में कौवा का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी कोमल चिड़िया संभाल रही थी। कौवा चिड़िया बीच बीच में अपने जामुन के खेत को देखने आ जाया करता था। क्यों कोमल चिड़िया, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है सेठ जी, मैंने कल ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है। और मैंने कल ही नए बीज ला के दिए थे, वो कैसा है? हाँ सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। वो बीज से बहुत सारे मोटे मोटे जामुन हो रहे हैं। तब तो ठीक है, मोटे जामुन के तो बहुत पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी, कौवा जी कोमल चिड़िया को अपने जामुन की खेती की देख रेख करने के लिए रखा था। कोमल चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसके वजह से वो कौवा सेठ जी के खेत में काम किया करती थी और सेठ जी उसे महीने के तनख्वाह दिया करते थे। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे कोमल चिड़िया खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत में बहुत सारे जामुन की गुच्छी गायब है। अरे कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन की गुच्छी देखी थी, लेकिन आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है? कोमल चिड़िया ने इस बात को कोई खास ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुट गई। शाम 7 बजे अपना काम खत्म करके अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो जामुन के खेत में पहुंची तो वह जामुन के गुच्छे नहीं थे और उसने सोचा, यहाँ तो मैंने कल ही जामुन के गुच्छे देखे थे। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तो मैं उस चोर को पकड़ के ही रहूंगी। फिर वह काम में जुट गई। शाम के 7 बजे तो वह अपने घर नहीं गई, बल्कि खेत में लगे पेड़ के पीछे छिप गई और साथ में एक बड़ा सा छड़ी भी रख लिया। आने दो उस चोर को, आज मैं उसे मार मार के चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वह मेरे खेत के जामुन को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। आधी रात हो गई थी पर अभी तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, अभी तक वो चोर नहीं आया? कोमल चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई। फिर वह हिम्मत नहीं हारी, वो पूरी रात खेत की निगरानी करी। जब सुबह हुआ 6 बजा, तब रोशनी के साथ कुछ परियां आई और कुछ जामुन के गुच्छे तोड़ ली। अच्छा तो ये परियां हैं जो मेरे खेत के जामुन तोड़ रही है। इतना कहकर कोमल चिड़िया परियों के पास चली गई। आप लोग तो परियां हो, आप लोग ये जामुन की चोरी क्यों कर रहे हो? अच्छा यह फल का नाम जामुन है, मेरी परीलोक में तो ये फल नहीं उगती और जब से हमने इस फल को खाया है ये हमें बहुत स्वादिष्ट लगी और तभी से हम ये फल खा रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? ये खेत जो आप देख रहे हो ये मेरी नहीं सेठ जी का है। मैं तो यहाँ नौकरानी हूँ, बस देख रेख करती हूँ और सेठ जी मुझे महीने में पैसे देते हैं। और अगर आप लोग इसे खाना शुरू कर दिया तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओ ऐसी बात है, क्षमा करें, हमें ये बात पता नहीं थी, पर हमें ये जामुन बहुत पसंद आई। पर हम आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप हमारे परिलोक में चलोगी और हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगी तो हम आपको बदले में बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने, सोने के सिक्के? हाँ सोने के सिक्के, हाँ सोने के सिक्के, और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा और हम तुम्हारे जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परिया, मुझे मंजूर है। फिर कोमल चिड़िया अपने साथ जामुन की बीज ली और परिलोक के लिए निकल पड़ी। जब वो परिलोक पहुंची तो उसने देखा वहाँ वाष्प से भरा बहुत सारा बादलों का बगीचा है और उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये बादल जादुई है, बिल्कुल धरती लोक की मिट्टी की तरह। इसमें जो भी बीज लगाओगे वो इसमें जग जाएगा। फिर कोमल चिड़िया ने बादलों में
जामुन के बीज लगाए और फिर उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आए। काश धरती पर ये जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद बखुद बीजों से पौधे निकल आते। और हाँ, जामुन के पौधों में बहुत सारे पानी देने पड़ते हैं और इसकी देखरेख भी करनी पड़ती है, कहीं कीड़े ना लग जाए। कोमल चिड़िया की बात सुनकर परी ने जादू किया और एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन जामुनों को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है इसलिए इसमें कीड़े लगते हैं, यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे, यहाँ मिट्टी नहीं है। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, तो अब बताओ अब हमें क्या करना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय से पानी और खुराक देंगे तो समय में बहुत सारे जामुन उग जाएंगे। कोमल चिड़िया का इतना कहते हुए ही उसके पास वाले पौधों में जामुन का छोटा सा गुच्छा दिखने लगा, जिसे देखकर परिया बहुत खुश होने लगी और कोमल चिड़िया का धन्यवाद किया और उसे सोने के सिक्के से भरा घड़ा भी दिया, फिर उसे धरती लोक में भेज दिया। धरती लोक में आकर कोमल चिड़िया अपने घर गई और अपनी माँ को मौनी चिड़िया को सारी बातें बताई। क्या कहा कोमल चिड़िया, ये घड़ा तुमको परियों ने दिया है और तुम बादलों में जामुनों की खेती करके आई हो। कोमल चिड़िया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज कोमल चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। वह उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेच देती जिससे उसे कुछ पैसे मिल गए थे, जिसकी वजह से वह खुद की एक खेत खरीद लेती है जहां वह जामुनों की खेती करती है। अब कोमल चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।